क्यों लग रहा है ना डिलीशियस माउथ वाटरिंग, इसको देख के ही खाने को मन कर रहा है ना। तो आज तो संडे, जो संडे को थोड़ा सा नॉनवेज करते ही है हम, तो मैंने ये डिलीशियस फिश करी बनाई और उसके साथ साथ बैंगन का एक फ्राई भी बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बैंगन का फ्राई की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने ये बड़ा सा प्रिंजल लिया पर्पल कलर का, जिसके अंदर पूरा वाइट उसका था, कोई ज़्यादा बीज नहीं था। दिस विच इज़ बेस्ट फॉर बैंगन भजा एंड ऑल्सो फॉर भरता। तो जब तक कि मैं काट रही हूँ, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद कानन, और बहुत बहुत क्या बोलते हैं, दिल से थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, और ऐसे ही जुड़ते रहिए मेरे साथ। तो मैंने बैंगन को काट लिया और इसको अभी पानी में डुबा के थोड़ी देर हम रख लेंगे एंड देन इस फिश को हम मैरिनेट करेंगे। ये मैंने लिया 1 किलो है, दिस इज़ बासा, इंडियन बासा, यस दिस वन, जिसके ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते, काटी बोलते हैं मुड़िया में। आप लोग क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में प्लीज़ बताइएगा, और ये भी बताइएगा आप कौन से स्टेट या कंट्री से देख रहे हैं, सो दैट मैं आपको थैंक यू बोलूँ पर्सनली। और ये जैसे कि रेगुलर मैरिनेशन होता है फिश का, जो हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च है, उसको डाल के थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाला है, और उसको प्रॉपरली हाथ से हम उसे हिला के माइंड कर देंगे, रख देंगे साइड में। फिर सब्ज़ी के लिए तो बाकी ये तैयारियाँ, ये बड़ा सा एक प्याज है, उसको मैंने रफली ऐसे चॉप कर लिया, और ये हो गया हमारी सब्ज़ी के लिए प्याज रेडी। एंड ये ज़्यादा मैं ग्रेवी नहीं करने वाली, जनरल थोड़ा सा ही रहेगा उसका ग्रेवी। टमाटर कट गए, ये मैंने एक बड़ा साइज टमाटर लिया, उसको चॉप कर लिया, ये हो गया। अब बिठाएंगे कढ़ाई, ये एक कढ़ाई मैंने गरम किया, उसमें डाला मैंने अराउंड 2-3 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, फिश है तो मस्टर्ड ऑयल ही ज़रूरी है। इसको ज़रा घुमा देंगे, कढ़ाई को अच्छे से हम तैयार कर देंगे। कढ़ाई ऑयल जो है वो प्रॉपरली स्मोकिंग पॉइंट तक ला के फिर उसको रिड्यूस कीजिए फ्लेम। उससे क्या होगा, आप देख रहे हैं फिश बिल्कुल भी कढ़ाई से नहीं चिपकेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये नॉनस्टिक है। मतलब हम इस कढ़ाई को नॉनस्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं और विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। सो ये देखिए बहुत बढ़िया मस्टर्ड ऑयल में मस्त फ्राई हो रहा है हमारे बासा के फिश, जिसमें अंदर भी कांटे नहीं होते और बाहर भी स्केल नहीं होते, और जिसका उसमें बहुत ऑयल भी होता है उस ऑयल फिश में, विच इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, इट इज़ वेरी गुड फिश, आई मीन हम खा सकते हैं कभी कभार। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बैच। भी देखा आपने, मैंने फिश को पलटा और कहीं से भी किधर से भी वो चिपका नहीं है, और तेल का अमाउंट भी कम नहीं हुआ है, बिकॉज दिस ऑयल हैज़ इट्स ओन, आई मीन दिस फिश हैज़ इट्स ओन ऑयल, सो इट ऑल्सो रिलीजेस गुड बिट ऑफ ऑयल। सो देखिए हमारा अभी जो ऑयल हमारा है वो फिश ऑयल में कन्वर्ट होता जा रहा है, बिकॉज इट इज़ रिलीजिंग सम ऑफ द ऑयल ऑल्सो, द फिश इज रिलीजिंग। फर्स्ट बैच हो गया, हम सेकंड बैच में जाएंगे। सेकंड बैच में हेड पीसेज आ गए। वेल, हेड पीसेज आप खाते हैं क्या? हेड पीसेज अगर नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और तो उसी तेल में हमने सूखी लाल मिर्च 2, एक तेज पत्ता काट के, और पंचफुटन डाला है। पंचफुटन जो कि उड़ीसा का कुजीन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पार्ट है। फिर वो अच्छे से पकने के बाद हमने डाल दिए वो सारे जो प्याज हमने काटे थे वो डाल दिए, और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, जिसमें कि गार्लिक का अमाउंट ज़्यादा रहता है। और ये हमारे टमाटर गए। अब इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ये पेस्ट बनाया था मैंने सारे सूखे मसालों का, जो जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, सब आधा आधा टीस्पून का जो मसाला लेके उसको पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि वो फूल जाए और वो प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए अपने मसाले के साथ। और देखिए सब ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है, थोड़ा छोड़ देंगे, वाओ, अब हमारा टमाटर प्याज पूरा गल जाएगा, मस्त, देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे विल ऐड अ लिटिल ऑफ वाटर, जितना आपको ग्रेवी चाहिए इसी पॉइंट पे आप डालिए, और सॉल्ट टू टेस्ट भी ये जगह। मैंने ये थोड़ा सा गर्म मसाला डाला और ये पानी डाला,
पानी मैंने पहले जैसे बोला कि जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप इसी पॉइंट पे डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रही हूँ इसलिए इतना ही डाला है, आप और ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, थोड़ा और पानी जाएगा। पानी के साथ सारे मसाले अच्छे से जब बॉईल हो जाए, कुक हो जाए, हम थोड़ा सा उसकी सीजनिंग को एडजस्ट करेंगे एंड देन वी विल ऐड द फ्राइड फिश। वैसे ये फिश बहुत सॉफ्ट रहता है तो कच्चा बनाने को जाएंगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए फ्राई करना ज़रूरी है। एंड इसको प्रॉपरली सॉफ्ट हैंड से वुडन स्पैचुला इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्टील के स्पैचुला में कट जाने का, टूट जाने का डर रहता है। अब इसको मैं उसके साथ कुक करने दूँगी। सो अभी बनाऊँगी मैं एक कोट, एक मैरिनेशन, एक फॉर द ब्रिंजल। तो मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जीरा धनिया पाउडर 1 चम्मच, दिस इज़ ब्लैक पेपर 1 चम्मच, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये होगा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डाल के फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको एक स्लरी में कन्वर्ट करेंगे। स्लरी ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा थिन भी नहीं, ऐसा हम बनाएंगे। अब देख पा रहे हैं मैंने हाथ से इसको किया है और ये इतना पतला है, इतना पतला है तो वो बैंगन को चिपकेगा ही नहीं, तो इसलिए हम बाद में डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा। चावल का आटा वॉल्यूम भी देगा और इट विल आल्सो गिव द क्रिस्पीनेस क्रस्ट टू द ब्रिंजल। ओके, तो ये हमारा मस्त सा सेमी थिकनेस में हमारा ये बढ़िया सा बैटर तैयार हो गया। अब हर एक ब्रिंजल को उसमें डिप करके हम रखेंगे और तेल में इसको फ्राई करेंगे। सारे ब्रिंजल डाल दिए मैंने, ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाला। और ये मैंने एक लोहे का पैन लिया, बड़ा पैन है, फ्लैट बॉटम है, इसमें भी मस्टर्ड ऑयल डाला। और प्रॉपरली हीट होने के बाद इसको भी हम ब्रिंजल को एक एक करके डालेंगे। मैं इसमें सिर्फ 3 मुझे जगह हो रहा है इसलिए 3 डाल रही हूँ, ओवर क्राउडेड नहीं करना है नहीं तो वो चिपक जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, शेप भी टूट जाएगा। ओके, तो ये वन साइड हो गया, हमने पलट दिया, फैंटास्टिक कुक भी हो गया, क्रिस्प भी हो गया, मस्त लग रहा है एकदम। मन कर रहा है आपको खाने का तो ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको कितना मज़ा आया ये वीडियो देखने में और कितना पानी छूटा आपके मुंह से। तो तब तक हमारी फ़िश करी भी रेडी हो गई थी और मैंने इसको निकाल लिया एक मिट्टी के बोल में और इसको हम गरम गरम राइस के साथ सर्व करेंगे। थोड़ा सा गार्निश कर दिया धनिया के साथ एंड देन इट्स रेडी टू बी सर्व्ड। तो मुझे लगता है मैं ये वीडियो आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आया होगा, रेसिपी भी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करेंगे। और इस तरह से सैलेड और अनियन और हरी मिर्च और नींबू के साथ इसको वाइट स्टीम राइस के साथ सर्व करके एकदम मज़े से खाएंगे, इंजॉय करेंगे और अपने फैमिली को भी खिलाएंगे और फिर मुझे थैंक यू बोलेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। और ये रेसिपी जो है किसी भी फिश के साथ आप बना सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है सच में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और जुड़िए फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद कानन के साथ। और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, मैं फिर से लौटती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए thank you so much for watching till the end and enjoying the videos and subscribing me। mera family bad raha hai, mujhe bahut khushi ho rahi hai ki aap log mere sath jud rahe hain aur aise hi judte rahiye aur mujhe aage badhne mein help kijiye। ab to content creator ka award bhi shuru ho gaya hai, wo bhi mujhe jeetna hai aur ab main sirf aapke help ke wajah se hi jeet paungi। thank you so much, bye।